आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्नेक गेम कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आपको पहले चलाकर दिखा देते हैं, ये प्रॉपर एक जावास्क्रिप्ट की गेम है स्नेक, जो कि मैंने डिज़ाइन की है आप लोगों के लिए। जस्ट इसमें हमने जो गेम है वो स्नेक जो है वो फूड खाता है, और ये देखें जैसे वॉल के साथ कोलाइड किया तो हमारी गेम ओवर हो गई। इसी तरीके से जब ये खाना खा के या फूड खाने के बाद खुद से ही कोलाइड करेगा तब ये डेड हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगी। ऊपर स्कोर और हाई स्कोर की फंक्शनैलिटी भी मैंने इसमें ऐड की हुई है। मैं गेम में अच्छा नहीं हूँ, सो अभी इसको मैं अपने साथ ही कोलाइड करवाता हूँ तो भी ये गेम ओवर हो गया। तो इस तरह की जो प्रॉपर एक गेम है इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं अपनी HTML के साथ और एक्सप्लेनेशन साइन की मदद से। मैं यहाँ पर अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं स्नेक गेम रख देता हूँ। ओके यहाँ पर अब हम एक कंटेनर की क्लास क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर मुझे एक स्कोर बोर्ड बनाना है, और स्कोर बोर्ड के अंदर मुझे एक स्पैन की क्लास बनाएंगे हम, स्पैन डॉट स्कोर, और इसके अंदर मैं जस्ट लिख देता हूँ स्कोर 0, फिलहाल के लिए 0 स्कोर है। और एक स्पैन की क्लास बनाएंगे हाई स्कोर के लिए। ओके और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हाई स्कोर, और ये भी फिलहाल 0 मेंशन कर देते हैं। इसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखेंगे। और कंटेनर के अंदर ही रहते हुए मुझे अब गेम बोर्ड की क्लास बनानी है, गेम बोर्ड। ओके इसके अंदर हमारा स्नेक वगैरह जो है वो मूव करेगा। तो ये हमारी होगी HTML मुकम्मल। अब हम CSS बनाएंगे, CSS को लिंक कर लेते हैं style.css की फाइल के साथ। यहाँ पर मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी style.css की फाइल, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से पैडिंग को हम कर लेते हैं 0, मार्जिन को भी हम कर लेते हैं 0, बॉर्डर बॉक्स बॉक्स साइजिंग को भी हम बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं, और फॉन्ट फैमिली वैसे ज़्यादा यूज नहीं होगी लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली वरदाना, आई थिंक ठीक रहेगी। अब बॉडी की स्टाइलिंग कर लेते हैं, बैकग्राउंड का जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ये रख लेता हूँ, विड्थ जो है इसकी 100%, हाइट जो है पूरी व्यू पोर्ट हाइट रखनी पड़ेगी 100 व्यू पोर्ट हाइट। ओके ये करने के बाद इसको डिस्प्ले जो है मुझे इसको फ्लैक करना होगा ताकि मैं इसको कंटेनर को बिल्कुल बॉडी के अंदर ले आऊँ, यानी कि वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में ले आऊँ। तो जिसके लिए मुझे डिस्प्ले कह रहा हूँ, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए, और वर्टिकल के लिए अलाइन आइटम्स की मदद से हम इसको सेंटर करेंगे। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको ब्राउज़र के अंदर, वेयर इज़ आवर ब्राउज़र, ये यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, और बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा लाइट सा ग्रेश हो गया। अब हम चलते हैं अपने कंटेनर की स्टाइलिंग के लिए की तरफ, कंटेनर की स्टाइलिंग कर लेते हैं। कंटेनर को हम बैकग्राउंड कलर जो है वो फिलहाल नहीं देते, इसको विड्थ हम दे देते हैं, विड्थ हम व्यू पोर्ट मिनिमम विड्थ देते हैं 65 व्यू पोर्ट मिनिमम विड्थ, और हाइट भी सेम हम 70 दे देते हैं, थोड़ी सी हाइट ज़्यादा देते हैं क्योंकि हमारा स्कोर बोर्ड भी इसमें आना है। ठीक है इसको बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड जस्ट देखने के लिए। तो ये हमारे पास वो एरिया आ गया। अब मुझे इसको बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस कौन सा, लेफ्ट साइड टॉप लेफ्ट का मुझे चाहिए 20 पिक्सल, टॉप राइट का मुझे चाहिए 20 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट राइट का मुझे 3 पिक्सल का, और बॉटम लेफ्ट का 3 पिक्सल का। तो यहाँ पर 20 पिक्सल आ गया, यहाँ पर नॉर्मल सा मेरे पास माइनर सा 3 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। अभी मुझे इसको भी कंटेनर को भी डिस्प्ले फ्लेक्स देना होगा। जैसे मैं फ्लेक्स करूँगा तो ये इसके अंदर दो हमारे पास डिव्स हैं, एक हमारा स्कोर बोर्ड का और एक गेम बोर्ड का, वो हम अभी इसके अंदर पता नहीं चलेगा। उससे पहले मैं यहाँ पर पहले क्रिएट कर लेता हूँ स्कोर को। ठीक है स्कोर बोर्ड जो है स्कोर बोर्ड की स्टाइलिंग, बैकग्राउंड इसको मैं देता हूँ ये, और इसके अंदर पैडिंग जो है वो मुझे 20 पिक्सल की चाहिए, कलर इसके अंदर जो टेक्स्ट का है कलर वाइट। ठीक है तो ये इस तरीके से आ गया। अभी ये हाफ हाफ क्यों आया, क्योंकि
यहाँ पे मैंने डिस्प्ले इसको फ्लेक्स किया हुआ है, लेकिन फ्लेक्स की डायरेक्शन मुझे इसको कॉलम में करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो वो रो क्रिएट कर देता है। डायरेक्शन कॉलम करेंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर जस्टिफाई कॉन्टेंट की मदद से, जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन कर देता हूँ। और ये देखो ये इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगे, और अलाइन आइटम्स भी कर देता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। और इसी तरीके से नीचे जो है गेम बोर्ड, उसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये ऊपर हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग मैंने पेंडिंग छोड़ी है, इसको करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ 333 और विड्थ 100% और हाइट भी 100%। सेव करके चेक करते हैं, ये आ गया। अब ये जो राउंडेड कॉर्नर्स है ये हमें क्यों नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि ये हमने राउंडेड कॉर्नर जो है वो कंटेनर को दिए हुए हैं। तो मैं ये क्या करना होगा, यहाँ पर आके ओवरफ्लो इसका हिडन करना होगा। तो ये अभी ओवरफ्लो जितना भी हो रहा था डाटा वो हिडन हो गया। अब इसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर जो रेड दिया हुआ था इसको हमें कर देते हैं अरेज। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर गेम बोर्ड है, इसको मैं पहले डिस्प्ले इसका ग्रिड करूँगा, ठीक है। और इसका यहाँ पे टेम्पलेट देने लगा हूँ चेक करने के लिए, सिर्फ ये हमें टेम्पलेट जो है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से देंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं चेक करने लगा हूँ ग्रिड टेम्पलेट को, टेम्पलेट ओके, रिपीट रिपीट करना है 30 और 1 फ्रैक्शन, यानी कि 30 रोज बने डिवाइडेड बाय, डिवाइड नहीं बल्कि इसमें रोज और कॉलम्स के लिए हम स्लैश डालते हैं। कॉलम्स रिपीट करो, पहले ये वाई एक्सिस के लिए कॉलम्स बनाता है फिर ये रिपीट रोज बनाता है। तो यहाँ पर आकर मुझे 30 और इसके भी फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन। सेव करके दफा चेक कर लेते हैं, अभी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, राइट क्लिक करके इसका हम इंस्पेक्ट एलिमेंट की मदद से चेक करते हैं। तो ये देखें ये 30 रोज और 30 कॉलम्स इसमें क्रिएट हो गए। अभी ये जो चीज़ है मुझे अभी यहाँ के लिए नहीं चाहिए, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कॉपी करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर हम फूड की एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से देंगे। फूड का बैकग्राउंड कलर जो है वो हम येलो दे देते हैं, येलो ज़्यादा डार्क नहीं हम देंगे, यहाँ थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और इसी तरीके से स्नैक की जो है वो क्लास बना लेते हैं एक, बैकग्राउंड कलर इसको टोमेटो कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले नहीं करवाया, हम इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से डिस्प्ले करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए हमारी HTML और CSS हो गई है कंप्लीट। चलिए अब हम कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट, script.js, और इस फाइल को हम HTML के साथ लिंक करवा लेते हैं। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट को बॉडी के एंड पर हम ऐड करवाते हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट जो जावास्क्रिप्ट आई है उसमें हम शुरू में भी ऐड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए साथ हमें एक एट्रीब्यूट देना होता है। जैसे कि यहाँ पे सोर्स का एक एट्रीब्यूट से हम इसको लिंक करवाएंगे script.js, और defer की मदद से ये एट्रीब्यूट ये काम करता है कि पहले वो पूरे पेज को लोड होने के बाद जावास्क्रिप्ट को लोड करवाता है। तो अभी हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारी जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है कि नहीं। सो हमारी जावास्क्रिप्ट वर्क कर रही है। अब हम सबसे पहले इसका ग्रिड क्रिएट करते हैं, जो हमारा ये स्नेक की गेम है इसका ग्रिड क्रिएट करते हैं। तो ग्रिड क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे वेरिएबल की मदद से जो हमारा गेम बोर्ड है उसको फेच करना होगा। कॉन्स्टेंट की मदद से हम गेम बोर्ड का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें स्टोर कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। अब इसमें कौन सा क्यूरी को हम सेलेक्ट करेंगे, गेम बोर्ड की डॉट गेम बोर्ड BORD ये वाला जो हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। अब इसको क्रिएट कर लिया मैंने, कैच कर लिया। अब इसके अंदर मुझे इसको ग्रिड्स देनी होंगी, तो गेम बोर्ड की मदद से डॉट स्टाइल, और यहाँ पर मुझे ये वाली जो स्टाइल मैंने लिखा था इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, कट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करता हूँ। ये जो कमेंट है इसको मैं अरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ये सेव कर लिया और यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर चेक करते हैं अभी ग्रिड बना है, बन गया। लेकिन मैंने ये CSS में क्यों नहीं किया, यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा लेट की मदद से बोर्ड साइज, ओके। तो बोर्ड साइज मैं यहाँ पर फिलहाल दे रहा हूँ 30,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे बार बार इसको चेंज कर सकता हूँ, उसकी कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं ये वेरिएबल लिखना होगा बोर्ड साइज की मदद से, और यहाँ पर भी सेम यही चीज़, यहाँ पे मैं वेरिएबल को ये प्रिंट करवा रहा हूँ। अभी भी चेक करते हैं तो सेम यही काम यहाँ पर हमारे साथ हो रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं यहाँ पर आकर जस्ट 10 करूँगा तो ये 10 के ग्रिड्स बना देगा, ठीक है। 5 करूँगा तो 5 के ग्रिड्स बना देगा, 6 के, ठीक है, 6 लिखा, 6 के ग्रिड चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, सो इस तरीके से ये हमारे लिए ग्रिड्स बना देगा। सो यहाँ पर मैं फिलहाल 30 लिख देता हूँ। तो अब हमारे हो गए ग्रिड कंप्लीट, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब हम क्रिएट करेंगे फूड को, और उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे रैंडमाइज फूड को क्रिएट करने के लिए। सो सबसे पहले जाहिर बात है कि फूड कब क्रिएट हो, जब हमारा गेम स्टार्ट हो। तो यहाँ पे एक फंक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, कौन सा फंक्शन होगा, स्टार्ट गेम का, ओके। और इसके अंदर हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, और इसको यहाँ पर अब हम फूड को डिस्प्ले करवाएंगे। तो गेम बोर्ड के अंदर करवाना, तो गेम बोर्ड को मैं दोबारा से कैच करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर इनर HTML की मदद से एक div क्रिएट करूँगा, div को क्लोज भी कर देते हैं। div को क्लास कौन सी दूंगा, क्योंकि मैं इसको फूड क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे इसको फूड देनी होगी। और इसके अंदर कहाँ पर इसको प्रेजेंट करवाना है, तो एरिया में इसको दे दूंगा, ग्रिड एरिया, किस एरिया में मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है। सॉरी, यहाँ पर स्टाइल की मदद से इनर इनलाइन CSS की मदद से मुझे ये देना होगा, ग्रिड एरिया, ठीक है। कौन सा एरिया, अगर 5/5 करूँगा तो इसका मतलब फिफ्थ ग्रिड के अंदर, फिफ्थ कॉलम और फिफ्थ ग्रिड के अंदर डिस्प्ले करवाओ। लेकिन अभी यह डिस्प्ले नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है, वो इसलिए नहीं डिस्प्ले हुआ क्योंकि मैंने गेम का फंक्शन तो स्टार्ट गेम का किया है, लेकिन इसको रन नहीं करवाया। स्टार्ट गेम सेव, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारी फूड आ गई है। लेकिन जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, फूड यहीं पर ही रुकी हुई है। तो इसको भी हम वेरिएबल की मदद से यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पे 5/5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मुझे लेट की मदद से फूड एक्स एक्सिस में 5 कर देता हूँ और फूड वाई एक्सिस में 5 कर देता हूँ। और यही मुझे वेरिएबल यहाँ पर लिखने होंगे, प्रिंट करवाने होंगे, जस्ट फूड वाई। मैंने पहले बोला कि पहले वाई एक्सिस आएगा फिर एक्स एक्सिस आएगा, तो यहाँ पर मुझे फूड एक्स की मदद से, तो अभी भी यहाँ पर ही डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन ये अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको रैंडमाइज नहीं करवाया। अब यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट करना होगा कॉन्स्टेंट की मदद से, फूड पोजिशन चेंज फंक्शन है ये, हमने इसका नाम दे दिया, आप जो मर्जी नाम दे दें, मुझे ये नाम, जो मैं बेसिकली इजी नाम रखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा रैंडमाइज, तो फूड एक्स एक्सिस में रैंडम नंबर इसका क्रिएट करना होगा। तो मैथ का एक फंक्शन है इसका, जावास्क्रिप्ट का ही, मैथ फ्लोर मतलब ऊपर वाला नंबर, अगर 0.5 वैल्यू आएगी तो ये 1 करेगा, 0.3 वैल्यू आएगी तब भी ये 1 को कैच करेगा। और यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम की मदद से हम यहाँ से नंबर क्रिएट होगा, लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अगर 100, तो इसका मतलब ये 0 से लेकर 199 के दरमियान में वैल्यू बनाएगा। तो मैंने चूंकि 30 करना है, लेकिन अगर ये 30 है तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर आके 50 कर दिया, तो ये तो 30 रहेगा, तो मुझे क्या चाहिए कि बोर्ड गेम के साइज़ के हिसाब से इसका साइज़ चाहिए। तो मैं यहाँ पर 30 लिखने की बेहतर बोर्ड साइज़ लिख दूंगा और +1 कर दूंगा, क्योंकि 0 मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट करेगा और बनाएगा, तो मैं 1 इसमें ऐड कर दूंगा ताकि ये 0 से ना 1 से लेकर 100 तक, सॉरी 30 तक हमारा रैंडम वैल्यू बनाए। सेम एक्स एक्सिस के साथ भी किया और सेम हम वाई एक्सिस के साथ भी करेंगे, फूड वाई, ठीक है। अब ये वाला जो फंक्शन है फूड पोजीशन चेंज, ये हम हर रिफ्रेश पे भी जाते हैं, तो सो मैं इसको जस्ट यहाँ पे कर दूंगा फूड पोजीशन चेंज इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर अब आप फूड की पोजीशन नहीं भी दोगे तो ये काम करेगा, हर दफ़ा पेज रिफ्रेश होने पर पोजीशन इसकी चेंज होगी, ठीक है, फूड की पोजीशन चेंज।
चेंज हो रही है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया फूड की पोजीशन चेंज करने। अब हम स्नेक क्रिएट कर लेते हैं। सो स्नेक क्रिएट करने के लिए जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। इसी के अंदर फूड के साथ साथ मुझे स्नेक भी चाहिए और यहाँ पर स्नेक के एक्सिस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर स्नेक को भी लेट करना होगा स्नेक एक्स एक्सिस में और स्नेक y एक्सिस में। लेकिन यहाँ पे मुझे इनकी वैल्यूज देनी होगी लाइक 5, और इसको भी मैं वैल्यू 5 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे स्नेक y और स्नेक जो है वो डिस्प्ले कराने होंगे स्नेक एक्स के वैल्यू में स्नेक, और क्लास भी मुझे स्नेक की देनी होगी जो कि मैंने ऑलरेडी दे दिया। लेकिन चूंकि या तो वो ये चीज़ प्रिंट करेगा या ये चीज़, दोनों को हमें कंकैटिनेट करना होगा। तो कंकैटिनेट के लिए जो हमारा साइन है वो प्लस का है, चेक करते हैं सेव करने के बाद यहाँ पर अपने ब्राउज़र में, तो ये देखें हमारा स्नेक आ गया। लेकिन ये फिक्स रहेगा क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू जो है वो रैंडमाइज नहीं की कि हम इसको यहीं से स्टार्ट स्नेक को देना चाहते हैं, वो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू। सो हमारा स्नेक भी क्रिएट हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्नेक को मूव करवाने के लिए। तो स्नेक को मूव करवाने के लिए उसकी डायरेक्शंस के मुझे यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे डिर एक्स एक्सिस में, जो कि स्टार्टिंग पर डायरेक्शन जीरो रहेगी एक्स एक्सिस में और डायरेक्शन वाई एक्सिस में भी जीरो रहेगी स्टार्टिंग। और यहाँ पर मुझे फंक्शन क्रिएट करना होगा मूव स्नेक, और इसके अंदर मुझे e का एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा जिसके अंदर हमारी वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी, जैसे मैं पहले तो यहाँ पर कंसोल के अंदर आपको चेक करवाया था इसकी वैल्यूज, लेकिन ये ट्रिगर कब होगा, जब हम यहाँ पर एक इवेंट लिसनर बनाएंगे। किसके लिए, इसके लिए मूव स्नेक के लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। क्या करो कि जब कोई की डाउन करे तो क्या करो, ये फंक्शन रन करो मूव स्नेक का। ओके, चेक करते हैं, यहाँ पे कंसोल में आते हैं और चेक करते हैं राइट एरो दबाकर। ये देखो राइट एरो दबाया तो ये देखो यहाँ पे की वैल्यू आ गई। राइट एरो डाउन के साथ डाउन एरो, एरो डाउन, लेफ्ट और अप, ठीक है एरो अप। अभी इसकी वैल्यू अगर हमने प्रिंट करवानी है की तो डॉट की लिखेंगे, सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और अभी देखो एरो राइट लेफ्ट अप डाउन। तो अब इसकी मदद से हम ये करेंगे इफ ई डॉट की वैल्यू जो है वो एरो डाउन है या एल्स इफ, फिर हम एल्स इफ 4 दफा करेंगे, ठीक है। तो एरो डाउन, एरो अप, एरो लेफ्ट और एरो राइट। अभी क्या करता हूँ कि जैसे ही मैं कहता हूँ कि डायरेक्शन राइट को हो तो क्या करें, डाउन को हो तो क्या करना चाहिए, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ से करता हूँ। अगर मैं एलिमेंट में जाके इसको ग्रिड ओपन करता हूँ तो देखो, अगर ये आपका स्नेक है, स्नेक को आपने ऊपर की तरफ मूव करना, तो ये देखो ये ग्रिड 5 है, ऊपर जाएंगे तो 4 आएगा, उससे ऊपर जाएंगे 3 आएगा, उससे ऊपर 1 आएगा। तो जारी बात है ऊपर का जब क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे हमारी होती है वाई एक्सिस और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल हमारी वाई एक्सिस। तो वाई में हम एक एक माइनस करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर नीचे की तरफ जाना है तो वाई में हम एक एक प्लस करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से एक्स एक्सिस में राइट को जाना है तो एक्स में हमें यहाँ से नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5, तो राइट को जाने के लिए एक एक प्लस करना पड़ेगा, लेफ्ट में जाने के लिए एक एक माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आकर डेर एक्स जो है, चूँकि डाउन जा रहा है तो डेर एक्स जीरो रहेगा, और जबकि डेर वाई, डायरेक्शन वाई जो है वो हमारी डाउन पर एक एक प्लस होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से इसको कॉपी करते हैं, अप के ऊपर हमें ये माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये लेफ्ट पे जाने के लिए हमारा माइनस वन होना चाहिए और ये जीरो रहेगा। अब एक्स एक्सिस में आ गया ना इसलिए, और यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी वर्क करना नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि मैंने ये डायरेक्शन तो बना दी, अब इसको मैंने गेम स्टार्ट की मदद से मूव करवाना है। अब मूव कैसे करवाएंगे, यहाँ पर आकर मैंने इसको कहना है कि
जो स्नेक एक्स है उसमें इंक्रीमेंट करो डिर एक्स, ठीक है, और इसी तरीके से स्नेक वाई में इंक्रीमेंट करो डिर वाई, ठीक है। तो अभी ये सेव कर लेता हूँ, ये फंक्शन तो बन गया, ये कॉल कब होगा, स्टार्ट गेम, एक दफ़ा जब हमारा ब्राउज़र स्टार्ट होगा तो ये गेम फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ग्रिड को मैं बंद कर देता हूँ, और अभी इसको करते हैं, तो अभी ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी जो है वो गेम स्टार्ट जरूर हुई है लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि मुझे इसके अंदर ये गेम को कॉल करवाना पड़ेगा कि जैसे ही मैं बटन प्रेस करूं तो ये स्टार्ट गेम वाला फंक्शन भी रन हो जाए, लेकिन बाद में हम इसको डिलीट कर देंगे। अभी देखो मैं की दबा रहा हूँ, अभी छोड़ दी मैंने की, तो अभी नहीं वो कर रहा। नीचे को क्लिक करूँगा तो नीचे जा रहा है, लेफ्ट को जा रहा है, अप को जा रहा है, डाउन को जा रहा है, लेकिन मैं इसको मूव करवाना चाह रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर सेट इंटरवल का फंक्शन क्रिएट करूँगा जिसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ पे सेट इंटरवल का एक वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट भी करवा देता हूँ, सेट इंटरवल आईडी के नाम से, और इसको मैं फिलहाल जस्ट ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर आकर इसी के वेरिएबल में सेट इंटरवल आईडी में मुझे सेट इंटरवल क्रिएट करना है फंक्शन, और हर 1 सेकंड के अंदर, हजार यानी हजार का मतलब 1 सेकंड के अंदर ये खुद ही कॉल हो फंक्शन, और यहाँ से आके मुझे इसको डिलीट डिलीट कर। अभी मैं डिलीट नहीं करता, मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इन दोनों से होगा क्या। रिफ्रेश करते हैं, अब ये देखो मैं राइट को मूव करूँगा तो ये अभी मैं की नहीं ही दबा रहा, ये खुद ही 1-1 सेकंड के बाद मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं की को भी दबाऊंगा तो ये साथ की के साथ भी मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने ये कहा है कि ये स्टार्ट फंक्शन जो है स्टार्ट गेम की के साथ भी चलता रहे और खुद 1-1 सेकंड के साथ भी चलता रहे, तो मुझे खुद 1-1 सेकंड के साथ चाहिए, हर की के साथ नहीं चाहिए। तो मैं इसको अरेज कर दूंगा और सेव कर देता हूँ, और साथ ही अभी स्नेक की स्पीड के ऊपर भी काम करते हैं। अभी हज़ार का मतलब 1000 डिवाइडेड बाय, मैं इसको अगर 10 करूँगा तो इसका मतलब कि ये 100 मिली सेकेंड में रिफ्रेश होगा हर 100। सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो स्पीड तेज़ होगी इसकी, ठीक है। लेकिन अब एक मसला ये है कि मुझे ये यहाँ पर आके चेंज नहीं करवाना चाह रहा, मैं यहाँ पर इसको वेरिएबल देता हूँ गेम स्पीड, और ये वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, लेट गेम स्पीड 10, ओके। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिएगा ये सही है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 100 पर डिवाइड करता हूँ तो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। सो ये काफ़ी तेज़ हो गई है, ठीक है, 20 के ऊपर स्पीड इसकी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट हम ये काम करेंगे कि जैसे ही ये वॉल के साथ हिट हो तो गेम ओवर हो जाए, ठीक है। तो अभी वॉल के साथ हिट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक इफ की स्टेटमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, यहाँ पर इफ का जो स्नेक एक्स है अगर वो बराबर होता है या छोटा होता है 0 से, यानी कि इसका मतलब क्या है कि स्नेक एक्स की वैल्यू अगर 0 से कम होती है तो, या स्नेक एक्स की वैल्यू बड़ी होती है या बराबर होती है 30 के। 30 मतलब जो हमारा ग्रिड का साइज है, तो 30 देने से बेहतर है मैं बोर्ड का साइज का वेरिएबल दे दूंगा यहाँ पे, बोर्ड साइज इससे बड़ी होती है, या स्नेक वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, या स्नेक वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोर्ड बोर्ड साइज। तो क्या करो, यहाँ पर एक वेरिएबल करेंगे गेम ओवर, ठीक है, जिसमें मैं जिसको कर दूंगा ट्रू, लेकिन पहले मुझे ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा जो कि स्टार्टिंग पे फॉल्स रहेगा। जब गेम स्टार्ट होगी तब तक तो गेम ओवर नहीं ना होगी, तो इसलिए फॉल्स, फॉल्स की स्पेलिंग गलत है, ओके, ये सेव हो गया। अब जैसे ये होगा तो ये गेम ओवर ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आगे स्टार्ट पे कहता हूँ इफ गेम ओवर हैपन्ड, ओके, यानी ट्रू होता है तो रिटर्न कर दो एक फंक्शन
गेम ओवर हैंडलर। अब वो क्या करना है जिसमें मैं इसको गेम ओवर का फंक्शन बनाऊंगा, गेम ओवर हैंडलर, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगा कि अलर्ट का फंक्शन आ जाए जिसमें ये कह रहा हो गेम ओवर। ओके, सेव करते हैं, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो चेक करते हैं तो एरर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ये बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पेज को रीलोड करवा देना है। इसके बाद लोकेशन लोकेशन रीलोड, ठीक है, सेव रिफ्रेश। अभी भी ये देखना एरर आएगा बार बार, क्यों कि जो हमारा सेट इंटरवल है वो रीसेट नहीं हुआ, तो हमें इंटरवल को भी रीसेट करना है। क्लियर इंटरवल कौन सा, जो कि सेट इंटरवल आईडी है, ये मैंने इसलिए वेरिएबल बनाया था इसका। अभी इसको हम करते हैं यहाँ से आके एक दफ़ा दोबारा से रिफ्रेश, अभी चेक करते हैं, ठीक है। टॉप पे जाते हैं तब भी ये, नीचे डाउन पे आते हैं तब भी एरर ख़त्म, ये यहाँ पर भी एरर जो है वो रिमूव हो गया। इसको हम थोड़ी सी स्पीड स्लो करके चेक कर लेते हैं कि क्या वॉल से सही तरीके से टकरा रहा है या नहीं टकरा रहा। 5 की करते हैं, ठीक है, ये हो गया टॉप पे। यहां पे तो ये सही मूव कर रहा है। नीचे आते हैं तो ये भी सही तरीके से, ओके, तो यहां पर ये हमारा स्ट्राइक कंप्लीट हो गया, तो गेम ओवर हमारा फंक्शन बन चुका है सक्सेसफुली। अब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे ईट फूड का, यानी कि जब वो फूड को खा लेता है तो दोबारा से फूड की पोजीशन चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ईट, सॉरी कॉन्स्टेंट ईट फूड, और यहां पर क्या वेरिएबल हम फंक्शन क्रिएट करेंगे इफ की स्टेटमेंट की मदद से। अगर फूड एक्स इज इक्वल है स्नेक एक्स एक्स एक्सिस एंड फूड वाई इक्वल है स्नेक वाई, यानी कि फूड का एक्स एक्सिस और स्नेक का एक्स एक्सिस और फूड का वाई एक्सिस और स्नेक का वाई एक्सिस अगर एक जैसे हैं तो इसका मतलब वो फूड खा लिया उसने। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जस्ट जो हमारा फूड का रिफ्रेश करने का पोजीशन चेंज वाला फंक्शन है वो कॉल करवा देंगे कि इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाए। सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर आते हैं, अब ये देखिए ये इसको नहीं खा रहा। ओके, ये क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि मुझे ये जो ईट फंक्शन है वो मैंने स्टार्ट गेम के अंदर जो है वो ऐड नहीं करवाया, तो मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, ईट फूड। अब देखते हैं, चेक करते हैं, ये हमारा फंक्शन काम कर गया है। अभी ये फूड को स्नेक जो है हमारा वो खा रहा है। स्पीड को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पीड चलती रहे ज्यादा, 10 की स्पीड। मेरी गेम में ना थोड़ी सी अच्छा नहीं मैं खेलता, मैं बहुत ज्यादा दफा हारूंगा यहाँ पर क्योंकि मुझे गेम नहीं खेलनी आती। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम स्नेक की बॉडी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जैसे वो खाना खा ले तो एक हमें स्नेक बॉडी का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, स्नेक बॉडी, सॉरी वेरिएबल नहीं होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा एक किस्म का, ठीक है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट। अब स्नेक बॉडी का मैंने ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जैसे ही फूड ये खा लेता है तो स्नेक बॉडी में एक इंक्रीमेंट करो पुश की मदद से। क्या चीज़ पुश करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कौन सी, फूड का एक्स एक्सिस इसमें ऐड करो और फिर फूड का वाई एक्सिस,
अभी चेक कर, और इसको मैं एक दफा कंसोल में आपको चेक करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, सॉरी स्नेक बॉडी, चेक करते हैं कंसोल में जाकर कि क्या ये इसमें ऐड कर रहा है। एक अरे बन गई, दूसरी अरे बन गई, तीसरी अरे बन गई, तो ये देखिए तीनों अरे के जो उसके वेरिएबल्स थे फूट के वो इसमें ऐड हो गए, जो उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी वो इसमें ऐड हो गए। अब हमने ये जो है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ कंसोल को, अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आकर मुझे फॉर लूप स्टार्ट करना होगा, और इसमें मुझे क्या करना होगा, लेट आई इक्वल है ज़ीरो से स्टार्ट हो और आई की वैल्यू जो है वो लेस देन रहे स्नेक बॉडी की लेंथ से, और यहाँ पर आई में प्लस प्लस हो, और ये जो वैल्यू है मुझे कट करनी है, यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और यहाँ पर मैं पहले इसको वर्ड रैप कर दूँ ताकि जो डाटा है वो टेक्स्ट जो है वो आगे ना जाए, बल्कि इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे यह करना है कि इसके अंदर जो है मुझे स्नेक बॉडी को की मदद से रिप्रेजेंट करवानी है, क्योंकि स्नेक की बॉडी जो है, अब देखो स्नेक बॉडी के अंदर जो उसके वेरिएबल्स हैं यानी उनके जो नंबर्स हैं, यहाँ पे 0, 1, 2 है, ठीक है ना, अरे के अंदर 0, 1, 2, और उसके अंदर जो अरे है उसका ये नंबर 0 है, ये नंबर 1 है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो 1 नंबर, सॉरी आई की मदद से बार बार रिपीट हो ये वाला 0, 1, 2, और उसके अंदर जो पहला नंबर है वो हम पहला नंबर वाई को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर मैं यहाँ पे वाई को लिखूँगा जो जिसको जो कि है नंबर 1, और सेम इसके लिए मुझे स्नेक बॉडी और इसके अंदर मुझे आई की मदद से यहाँ पर 0 मतलब एक्स एक्सिस, सेव करके एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर भी ये आ नहीं रहा क्योंकि पहली स्नेक का जो हेड है वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा, स्नेक का जो हेड है स्नेक बॉडी का जो हेड वो 0 पे है, ठीक है ना, वो हमें डिस्क्राइब करना होगा कि वो है हमारा स्नेक एक्स एक्सिस और स्नेक वाई एक्सिस, सेव करके यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अब चेक करते हैं इसको कि ये क्या करता है, सॉरी मैं गेम में अच्छा नहीं हूँ, सो ये देखो इसको खा रहा है, तो ये बॉडी बनती जा रही है, जहाँ जहाँ से खा रहा है वहाँ वहाँ ये अपने क्रिएट करता जा रहा है। अब हमने ये इसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं, लेकिन हमने इसको खाना कहाँ से है, कैसे खाना है, ओ सॉरी इसको स्नेक की बॉडी कैसे बनानी है, उसके लिए मुझे फिर से एक फॉर लूप क्रिएट करना होगा, फॉर लूप की मदद से, और इसमें लेट जे को कर लेते हैं जे इक्वल्स टू, अब ये जो हमें अभी क्या करना है, बॉडी को एक एक स्टेप आगे को शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इसकी अब बॉडी जो हमारी स्नेक बॉडी है उससे स्टार्ट लेना है, उसकी लेंथ से, और जे जो है वो बड़ा रहे 0 से और डिक्रीमेंट हो एक एक स्टेप, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, सेमी कॉलम, ओके डिक्रीमेंट हो। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी स्नेक की बॉडी है आई सॉरी जे, एक एक स्टेप उसमें हमने माइनस करते जाना है, स्नेक बॉडी जे माइनस 1, ओके चेक करते हैं, सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश, तो यहाँ पर ये काम हो रहा है, एक मिनट यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पर स्नेक की बॉडी में से एक माइनस भी करना है, ठीक है, ताकि एक स्टेप वो पीछे रहे। ये देखो अभी हमारी जो है बॉडी क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारी स्नेक की बॉडी क्रिएट हो गई, ठीक है, और ये हमारी गेम ओवर भी आ रही है। इसकी स्पीड को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ 20 के ऊपर, ओके अब यहाँ तक हमारा स्नेक हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने स्नेक को बैकवर्ड जाने से रोकना है, अब एक मिसाल देता हूँ कैसे, ये यहाँ पे मैं स्नेक को मूव करके दिखाता हूँ, ये मैं खा रहा हूँ 2-3 ज़्यादा सेज कर दिए मैंने,
मुझे इतना अच्छा नहीं हूँ मैं गेम के अंदर, फिर भी थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं खेली जाएगी मेरे से। ठीक है, 10 पे ही ठीक है। अब ये देखे कि हमारी स्नेक गेम होती है कि ये अगर नीचे जा रही है तो उसी वक्त ऊपर ना जाए, या देखे ऊपर और नीचे, अगर नीचे जा रही है तो ऊपर ना जाए, इस तरह जाए ये। ठीक है, लेकिन अभी मैं ऊपर का बटन दबाता हूँ तो ये ऊपर को चले जाता है, बैकवर्ड जा रहा है, तो इसको हमने रोकना है। तो यहाँ पर सिंपल इसका वे है, यहाँ पर आके मैं कहूँगा कि एंड अगर इसकी डिर जो है वाई वो बराबर ना हो -1 के, यानी कि वो उल्टी डायरेक्शन में ना जा रहा हो तो फिर इस, यानी कि -1 में ना जा रहा हो तो फिर 1 में जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर एंड की मदद से डिर वाई अगर बराबर नहीं है 1 के, अगर वो पॉजिटिव में जा रहा हो तो नेगेटिव में ना जा सके। ठीक है, इसी तरीके से एंड डिर एक्स बराबर नहीं है 1 के, तो ठीक है यहाँ पर एंड डिर वाई बराबर नहीं है तो -1 के। अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश। अब आगे जा रहा है, बैक को नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा तो नीचे नहीं आ रहा, नीचे जा रहा है आगे जा रहा है पीछे नहीं जा रहा। ठीक है, तो पीछे का तरफ नहीं जा रहा। अभी आप यहाँ, आपको मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा, लेकिन ये वर्किंग कर रहा है। अगर दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ यहाँ पे कंसोल के अंदर, लेकिन आप मेरी बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हमारी डायरेक्शन जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने जो फंक्शन क्रिएट करना है कि जैसे ही स्नेक अपनी ही बॉडी के साथ टच करे तो वो गेम ओवर हो जाए उसकी, और वो कैसे होगा, यहाँ पर हमने फॉर लूप क्रिएट किया था यहाँ पर बॉडी के लिए, तो यहाँ पर मुझे इफ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी कि अगर स्नेक की, स्नेक एक्स अगर बराबर है स्नेक बॉडी के आई एलिमेंट से, किसी भी आई एलिमेंट के स्नेक एक्स होता है, या एंड स्नेक वाई अगर बराबर होता है स्नेक बॉडी के आई के साथ, सॉरी यहां पर एक्स एक्स के लिए मुझे आई 0, एक्स एक्स के लिए 0, हाँ सॉरी, और वाई एक्स के लिए 1 क्रिएट करना होगा। इसके साथ अगर करता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी गेम ओवर हो जाए। और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐसा होता है तो गेम ओवर इक्वल्स टू ट्रू, लेकिन एक एरर यहाँ पर आएगा, जैसे मैं इसको गेम को रिफ्रेश करूँगा तो ये गेम ओवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्नेक अपने ही हेड के साथ जो है वो टकरा कर तो गेम ओवर कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ देनी होगी, अगर स्नेक अगर आई बराबर ना हो 0 के, ठीक है 0 ना हो बाकी ऊपर वाली वैल्यूज, अभी सॉरी बराबर ना हो, ये फंक्शन पहले ना हो, सिंटेक्स एरर। ओके, अभी देखते हैं, अभी ये चल रहा है यहाँ पर, ये इसको ने फूड खा ली, थोड़ा सा स्नेक को कुछ एरर आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ से एरर आ रहा है कुछ, डेयर वाई ये चीज़, यहाँ पे एक एरर मैंने ये मिस्टेक की हुई है, ये डेयर वाई ये डेयर एक्स, और यहाँ पे डायरेक्शन एक्स आनी चाहिए थी। मैं वही कहूँ कि वो चलने में मसला कर रहा था। ठीक है, अभी ये हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। शायद आप लोगों को ने ये नोटिस की होगी, लेकिन मैंने नोटिस नहीं की, तो क्या करूं, गेम नहीं मुझे आती खेलनी, तो स्नेक को बड़ा करने के लिए मुझे थोड़ी सी गेम को स्पीड अप, वीडियो को स्पीड पे चला के तो आपको दिखाता हूँ। ये अब मैं अपनी ही बॉडी के साथ टकराया हूँ तो गेम ओवर हो गई है, तो रिफ्रेश हो गई दोबारा से गेम। सो हमारा ये वाला फंक्शन भी काम कर रहा है सक्सेसफुली। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमें स्कोर को अपडेट करना है। सो स्कोर को अपडेट करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे स्कोर लिखना होगा, यहाँ पे जस्ट स्कोर डिस्प्ले डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर कौन सा है, यहाँ पर
डॉट स्कोर। ओके, स्कोर के अंदर मुझे डिस्प्ले करवाना है। क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है कि जैसे ही कोई फूड खा ले, ये यहाँ पर फूड का जो फंक्शन था, यहाँ पे जब जैसे ही कोई फूड खा ले तो यहाँ पर एक फंक्शन रन करो, अपडेट स्कोर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, कॉन्स्टेंट अपडेट स्कोर, और यहाँ पर मुझे जो मैंने स्कोर का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पर पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा लेट स्कोर, जो कि वेरिएबल स्टार्टिंग पर रहेगा ज़ीरो, और इसमें मुझे इंक्रीमेंट करना होगा स्कोर को एक एक करके। और डिस्प्ले कहाँ पे करवाना होगा, HTML सॉरी स्कोर डिस्प्ले, डिस्प्ले में इनर टेक्स्ट की मदद से, ठीक है, इनर टेक्स्ट की मदद से क्या करवाना होगा मुझे, स्कोर डिस्प्ले करवाना होगा। कैसे, यहाँ पर जस्ट मुझे लिखना है स्कोर, और यहाँ पर वेरिएबल की मदद से मुझे स्कोर डिस्प्ले करवाना है, जस्ट स्कोर की मदद से। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा इसको, तो हमारा स्कोर जो है वो अपडेट होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों मुझे गेम खेलनी नहीं आती बिल्कुल भी, मैं प्रो प्लेयर नहीं हूँ, सो मेरा दो ही स्कोर मैक्सिमम हुआ है, मुझे बॉर्डर के साथ ही मिल रही है, पता नहीं क्या वजह है, बॉर्डर के बगैर मिले तो मैं कुछ कर लूँ। सो हमारा स्कोर जो है वो वर्किंग कर रहा है। अब चलते हैं अपने हाई स्कोर की तरफ। हाई स्कोर के लिए मुझे यहाँ पर लोकल स्टोरेज क्रिएट करनी पड़ेगी और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा हाई स्कोर का। वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जो कि अभी हमने नहीं बनाई, वो बनाएंगे हम बाद में, हाई स्कोर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवाने के लिए हाई स्कोर का जो एरिया बनाया हुआ है मैंने, उसके अंदर डिस्प्ले करवाना है हाई स्कोर डिस्प्ले, और यहाँ से कैच करना पड़ेगा हाई स्कोर, ये वाली क्लास, ठीक है, ये हाई स्कोर में डिस्प्ले करवाना मुझे। सो ये हो गया। अब हमें नीचे जाना पड़ेगा जहाँ पे अपडेट हमारा है स्कोर, यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ पर क्या करना है मुझे, वैल्यू निकालनी है वहाँ से, लोकल स्टोरेज से, तो लोकल स्टोरेज गेट सॉरी सेट करनी पड़ेगी वैल्यू, सेट आइटम, और कौन सी, हाई स्कोर, ये अब हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या वैल्यू स्कोर करनी है इसमें, हाई स्कोर की, लेकिन वो कैसे करना है, इधर मुझे पहले डिस्प्ले कराना पड़ेगा हाई स्कोर का वेरिएबल, कि अगर तो हाई स्कोर यानी स्कोर अगर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है हाई स्कोर के, ये टर्नरी ऑपरेटर की मदद से कर रहा हूँ, तो क्या करो, स्कोर का ही जो स्कोर है वो ही इसमें शो करवाओ, नहीं तो हाई स्कोर इसमें स्टोर करवा दो, ठीक है। और ये हो गया, अभी हाई स्कोर यहाँ पर स्टोर हो रहा है। और इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, इसी को जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है, हाई स्कोर में, सो हाई स्कोर, ओके, इनर टेक्स्ट यहाँ पर हाई स्कोर, और यहाँ पर भी हाई स्कोर वेरिएबल। चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर हाई स्कोर में आई थिंक ये देखिए 11 का स्कोर ऑलरेडी स्टोर है, ये मैंने मेरा पहले से स्टोर था। यहाँ पे चेक करें सोर्सेज के अंदर, एप्लीकेशन सॉरी यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर, ये स्टोरेज में फाइल, ये देखिए हाई स्कोर है ऑलरेडी, इसको मैं करता हूँ डिलीट। अभी यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे मैं इसको हाई स्कोर बनाता हूँ तो ये देखिए साथ साथ हाई स्कोर ही बन रहा है, और वहाँ पे भी डेट वैल्यूज स्टोर हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको आउट होता हूँ तो यहाँ पे हाई स्कोर ज़ीरो हो गया, क्योंकि पेज रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे हाई स्कोर अपडेट नहीं हो रहा। तो हाई स्कोर के लिए मुझे जस्ट इसको कॉपी करना होगा कि ये वाला हाई स्कोर जो है वहाँ से फेच करने के बाद यहाँ पर भी शो हो, ठीक है। तो अभी पेज रिफ्रेश होने के बाद भी हमें हाई स्कोर नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है, स्टार्टिंग पर।
तो जब तक हमारा हाई स्कोर स्कोर से हाईएस्ट नहीं होगा तब तक हाई स्कोर में ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हाई स्कोर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। ले जी, हमारा प्रोजेक्ट जो हो गया है वो मुकम्मल। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।